परम पूज्य आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज आज इस पराक्रम सिक्योरिटी सर्विस के प्रांगण में सावन महीने की बुधवार के प्रातः वेला में हमारे बीच में विद्वान हैं। हम सभी मिलकर उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी जी एक वीक के अंदर ही हमारे बाद दोबारा हम लोगों को दर्शन देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। और ये पराक्रम के जितने भी बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि स्वामी जी के विचार से, स्वामी जी के एक आदर्श है जीवन से, बहुत कुछ सीखेंगे। और एक जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप पतंजलि योगपीठ के परिवार के सदस्य हैं और परिवार का सदस्य उसी प्रकार कार्य करता है जैसे हम अपने घर में एक परिवार के नुमाइंदे होने के नाते करते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वामी जी से निवेदन करूँगा क्या सचो सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठकर लंबा गहरा श्वास भरते हुए पावन ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप करते हुए भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। ओ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऐसे भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए योगाभ्यास प्रारंभ करना है हमें। प्रतिदिन लगभग एक घंटे के योग में आधा घंटा लगभग व्यायाम और आधा घंटा प्राणायाम ध्यान। प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम लगभग 2 से 3 मिनट चेहरा सामान्य रहे, बिगड़े नहीं, आँखों की चेहरे की आकृति सहज रहे। और जो पूर्णतः स्वस्थ हैं उनके लिए तो तीव्रता पूर्वक ऐसे करना है। जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, उनको
अब आप तो पूरे बलवान हैं, इसलिए आपको ऐसे ऐसे 2 मिनट आप कर लेंगे तो आपके फेफड़े 100 साल तक अच्छे रहेंगे। जो युवक युवतियां हैं वो 2 मिनट तक लगातार ऐसे कर सकते हैं और इससे पूरे शरीर में एनर्जी आ जाती है और मन भी एकदम शांत हो जाता है। सारे गलत काम आदमी बुरे मन से करता है और सारे अच्छे काम आदमी अच्छे मन से करता है। मन अच्छा होता है तो विचार अच्छे होते हैं, भावनाएं अच्छी होती हैं और कर्म अच्छे होते हैं। 3 ही चीज़ें जीवन में, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, माने विचार, भाव और व्यक्ति का व्यवहार, संस्कार। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो 2 मिनट ऐसे भस्त्रिका करना, इससे पूरे प्राण पुष्ट होंगे और मन, बुद्धि, चित्त, भाव शुद्ध होता है। शक्ति तो आती है प्राण में, तो सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा कपालभाति। तो जवानों को तेजी से करना है, श्वास को बाहर छोड़ना है, कंधे नहीं हिलाने, खाली पेट हिलेगा। पहले वाले में उसमें भी कंधे हिलते नहीं है, लेकिन श्वास जब भरता है तो छाती फूलती है तो कंधे थोड़े से उभरते हैं। और इसमें खाली पेट ही लेगा, ये जवान है तो तेजी से करो। बीमार लोगों को धीरे करवाते हैं और पहले तो आपको पतंजलि में सेवा का अवसर दिया जा रहा है, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, जहाँ पर योगा ग्राम है अपना, ये ग्रामोद्योग है, पतंजलि योग पीठ है, आचार्य कुलम है, दिव्य फार्मेसी हरिद्वार आश्रम कनखल में, और फिर पतंजलि आयुर्वेद, फिर इसके अलावा फिर तेजपुर, नागपुर, नोएडा और फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि में ही लगभग 4-5 हज़ार भाई बहनों की हमें इस सुरक्षा सेवा है। ये इतने बड़े अनुष्ठान के लिए ये आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद इस सेवा को, जैसे मैंने कहा था, देश भर में विस्तार देंगे। और मूल में योग, जो योगी होगा वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, जो योगी होगा वो फिर विचारवान होगा, संस्कारवान होगा, चरित्रवान होगा। कपालभाति प्राणायाम ऐसे करते करते अपने मूलाधार से सहस्रार तक पूरे देह को स्वस्थ बना देते हैं और हमें स्वस्थ बन के, विचारवान, संस्कारवान, चरित्रवान बन करके इस सुरक्षा को एक सेवा की तरह करना है कि ये मेरा अपनी मातृभूमि के लिए कर्तव्य है।
ऐसे 5 मिनट तक कम से कम लगातार करना है, कितनी ही व्यस्तता हो। 1 घंटा का योगाभ्यास, ये कभी भी हमें नहीं छोड़ना है। स्पेशल ट्रेनिंग तो आपकी बीच बीच में होती रहेंगी, अभी भी हो रही है यहाँ पर, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जो विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है वो भी आदरणीय सुमेर सिंह जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमारे सभी जो प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर्स हैं आपके, वो आपको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन ये योग वाला तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, इसको कभी नहीं छोड़ना। एक भाव से, पूरी श्रद्धा से, जिस समय जो कर रहे हैं उसमें पूरे समाहित होकर के, इसको योग में बोलते एकाग्रता। जो व्यक्ति एकाग्र होता है, अर्थात जिस कार्य को कर रहा है उसमें पूरा समाहित होकर, उसमें तल्लीन होकर के करता है, तो वो योग है। और उसी से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो प्राणायाम करने से हमारा मन एकाग्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन में फिर कोई बुरे विचार आते ही नहीं, बुरी भावना आती ही नहीं, बुरे कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती। पिछली बार मैंने आपको 3 ही बातें बताई थी कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात, और दुनिया में सबसे बड़ी कोई बात है जो घर परिवार सारे संसार को जोड़ के रखती है, वो विश्वास, ट्रस्ट, लॉयल्टी, फेथ, भरोसा। और ये व्यक्ति का कितना बड़ा अज्ञान है, कितना बड़ा अविवेक है, कितनी बड़ी मूर्खता है कि वो जानता है कि विश्वासघात ये पाप है, फिर भी करता रहता है। और इसी तरह से हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार, गलत काम जितने भी हैं, ये सब दुख देने वाले हैं, फिर भी व्यक्ति के भीतर जो अज्ञान होता है वो उससे सारे काम कर, बुरे काम कराते रहता है। तो आप लोगों को यहाँ योग के माध्यम से जो हमारे स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, जो हमारे ऋषियों के आध्यात्मिक अपने शास्त्रों के जो अच्छे अच्छे वचन हैं, वो आपको यहाँ आपके प्रशिक्षक बताते हैं, आपको कुछ साहित्य भी देते हैं, आगे भी देंगे, उसको भी आपको जैसे ही थोड़ा समय मिला तो अपना मनोरंजन भी सात्विक होना चाहिए, और अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए स्वाध्याय, ये सबसे सात्विक मनोरंजन है। एक विचार का आलंबन, कोई ना जीवन को जीने के लिए एक आलंबन चाहिए। आलंबन थोड़ा बड़ा शब्द है जो संस्कृत हिंदी कम जानते हैं। आलंबन माने आश्रय, आधार। कोई ना कोई आदमी को बेस चाहिए, बिना बेस के तो कोई चीज़ होती नहीं। भाई बोले ये तो बेसलेस है, तो बेस के बिना तो हम बैठ भी नहीं सकते, धरती बेस हमारा। ऐसे हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का, हमारी आत्मा का आधार, सबका आधार, सबका आधार तो परमात्मा ही है। चलिए, कपालभाति पूरा हो गया। तो एक बात हमने बताई थी आपको, विश्वास। दूसरी बात बताई थी निर्व्यसनी जीवन। जिसके जीवन में नशा और कोई व्यसन होता है ना, वो आदमी कभी भी बहक सकता है, उसको बहकाया जा सकता है, लेकिन जिसके जीवन में नशा नहीं होता उसको कोई बहका नहीं सकता। नशा का सबसे पहला काम होता बुद्धि का नाश करता है आदमी का। तो इसलिए जो विनाशकारी नशा है उससे आपको सदा मुक्त रहना है। और तीसरी बात आपको बताई थी कि हमारी जो विचारधारा है, कोई भी दुनिया में चीज़ चलती है तो विचारधारा से चलती है, उसको अंग्रेजी में आइडियोलॉजी बोलते हैं। इसी के लिए दूसरे शब्द बोले जाते हैं थॉट्स, प्रिंसिपल्स
एंड आइडियोलॉजी, विचारधारा में सब कुछ आ जाता है। तो ऋषियों की विचारधारा हमारी विचारधारा है, और जैसे हमारे ऋषियों ने इस भारत का मान बढ़ाया, और ये ऋषियों का देश है, गुरुओं का देश है, इसलिए इस भारत देश को पूरी दुनिया विश्व गुरु कहती है। तो हम ऋषियों की परंपरा के मानने वाले, जैसे ऋषि जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर हमें चलना है, अपने बड़े अपने पुरखे। तो मैं बार बार एक बात कहता हूँ, हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं जैसा हो। चार शब्दों में मैं सारे पूर्वजों को बोल दिया है, ऋषि ऋषिकाएँ वीर वीरांगनाएँ। हमारा जीवन कैसा हो तो क्या बोलना, अपने पूर्वजों ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं जैसा हो। अब इसमें कोई संशय ही नहीं ना कि हमारे, जैसे कहते ना पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा शब्द बोला जाता है, आइडियोलॉजी का क्राइसिस। क्राइसिस माने सबसे बड़ा अभाव, चुनौती, संकट पूरी दुनिया के सामने है कि उनके सामने कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई आइडियल्स नहीं, आदर्श नहीं। हमारे सामने तो इतने आदर्श हैं। कपाल भाते के बाद अब बाह्य प्रणाम करते हैं। तीन बंद लगते हैं, जालंधर बंद, थोड़ी कोकण कोप में लगाना, उड़ियान बंद, पीठ को पीठ से लगा देना, मूल बंद नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना। तीन बंद लगाते हैं, बाह्य प्राणायाम हो जाता है। ये तीन बंद के साथ कम से कम तीन बार ये कर लेना है बाह्य प्राणायाम, फिर तीन बार उज्जाई। गले थायराइड की बहुत तरह के रोग होते हैं गले के, ऐसे गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरेंगे, अंदर भर के लगभग आधा मिनट रोक के रखेंगे, फिर बाएं से बाहर छोड़ेंगे। दाएं को बंद करके, अब जवान आदमी तो दो मिनट तक भी अंदर रोक सकते हैं, मैं दो ढाई मिनट तक रोकता हूँ, उससे प्राण शक्ति बहुत सबल हो जाती है, और ये गले थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। अब चलिए अगला अभ्यास कराते हैं, अनुलोम विलोम। ये वायु मुद्रा में बैठ के करें, ये ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वर्ण मुद्रा, शक्ति अपान मुद्रा, ये मुद्राएँ होती हैं। ऐसी ध्यान मुद्रा और वायु मुद्रा सबके लिए अच्छी है। दाहिना को बंद किया, बाएं से लिया श्वास, फिर दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। इसको जोर जोर से नहीं करना, इसको आराम से करना, इससे मन शांत होता है और अपने आप ध्यान लगता है। पीस ऑफ माइंड के लिए जरूरी है, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए। तनाव में आदमी घबरा जाता है, अपने आप को, अपनी शक्तियों को अब भूल जाता है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है, कई तरह के भय उसके भीतर घुस जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। अनुलोम विलोम करने से कोई तनाव नहीं रहता। तनाव में प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटी, ऐसे तीन हार्मोन बढ़ जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से ये तीनों हार्मोन्स अपने आप ही बैलेंस रहते हैं, कम हो जाते हैं। और अच्छा हार्मोन्स होता है बीटा इंडोरफिन, इनकैफ्रिन, उससे आदमी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। ये जो हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, हम सोते हैं, सो नहीं पाते हैं,
हमें भूख लगती है भूख नहीं लगती है, इसके पीछे जो कारण होता है वो हार्मोन्स और हमारे शरीर के अंदर से कुछ सिक्रेशंस होते हैं, कुछ स्राव उसको हिंदी में बोलते हैं, कुछ तो ऐसे हमारे भीतर से केमिकल्स, कुछ सोल्स, कुछ हार्मोन्स, उसको अलग अलग नाम दिया है, कुछ रसायन, कुछ लवण और कुछ अति विशिष्ट स्राव, स्पेशल कुछ केमिकल्स सोर्स हार्मोन्स अंदर से निकलते हैं, कुछ ब्रेन से निकलते हैं, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस सिस्टम से, कुछ थायराइड से या गले से, कुछ हमारे लीवर से, कुछ हमारी आंतों से, कुछ हमारी किडनियों से, अंदर से हार्मोन निकलते हैं और उनसे ही हमारे मन की जो दशा और होती है ना, हम कभी कभी कहते हैं मैं बड़ा खुश हूँ और कभी कभी हम कहते हैं मन बड़ा दुखी हो गया। ये प्राणायाम से जो दुख देने वाले केमिकल्स और हार्मोन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो सुख देने वाले, शांति देने वाले, प्रसन्नता देने वाले, उत्साह देने वाले वो हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं, दिमाग को ठीक रखने वाले हार्मोन्स हैं। कई बार जब आदमी गलत काम करते हैं ना तो ऐसे तो बोलता है क्या करूँ, जैन दिमाग ही काम नहीं कर रहा है या दिमाग उल्टा उल्टा चल रहा है, तो ये अनुलोम विलोम ये दिमाग को सीधा करने वाला प्राणायाम, बाएं नाक से दाएं दिमाग, दाएं नाक से बाएं दिमाग, अपने आप बैलेंस होता है, व्यवस्थित हो जाता है, संतुलित, एक शब्द बोला जाता है योग में दिव्य हो जाता है, डिवाइन, डिवाइन ब्रेन, डिवाइन थॉट्स, डिवाइन इमोशंस, डिवाइन एक्शंस, डिवाइन लाइफ, ये है योग का लाभ। ऐसे ये भी कितनी देर करना है, कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट कम से कम भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, 3 बार बाह्य प्राणायाम, 3 बार उज्जायी, 5 मिनट या अनुलोम विलोम रिलैक्स, फिर 3 से 5 बार भ्रामरी, 3 से 5 बार उद्गीत, इससे अपने आप मन शांत हो जाएगा। पहली उंगली माथे पर देखिए, शेष 3 उंगली आँखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद ऐसे होगा। तो आज्य चक्र में मन को टिकाना तो अपने आप ही मन शांत हो जाएगा और एक भाव कि सारे ज्ञान का, सारी भावनाओं का, सारी शक्तियों का, सारे सामर्थ्य, सुख शांति आनंद का, इस जीवन का, जगत का, सबका आधार, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमात्मा, उसका ध्यान करेंगे ओंकार का, कान बंद मुख भी बंद, आज्ञा चक्र में मन केंद्रित करके 3 बार बोलेंगे ऐसे फिर दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर, ओम बोलेंगे ओ
श्वासों के साथ ओंकार ध्यान या गायत्री ध्यान करेंगे। श्वास अंदर भरेंगे तब मन ही मन ओ बिना ही बोले मौन होकर के साइलेंस, श्वास भरा तब मन ही मन ओम, श्वास छोड़ा तब मन ही मन ओम। और इसमें ओम ओम का जप करते हुए दिमाग में ये विचार चलना चाहिए, बिना विचारे तो हम एक क्षण भी जी नहीं सकते। तो विचार इस बात का कि ओम हमें जो भगवान परमात्मा खुदा अल्लाह वाहेगुरु जो भी उसको नाम बोलते हैं तो उसका सबसे बड़ा नाम ओम है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो ओम का स्मिरन करे तो शुद्ध आत्मा हो। ओम इतिकाक्षम ब्रह्म एक ओंकार सतनाम ओम तत्सत। ओ ओ मन ही मन ऐसे ओम का या लंबा श्वास चले तो फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। एक बार ओंकार का जप करते हुए श्वास लिया, एक बार ओम का जप करते हुए श्वास को छोड़ा। और मन में भावना कि भगवान आप ही सब ज्ञान सब शक्तियों के सब संवेदनाओं के सब सुख के सब शांति के जीवन और जगत के आप ही आधार हो। ओम का अर्थ है सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान जो हर पल हमारे साथ रहता है, जिसकी कृपा से एक एक श्वास चल रहा है। प्रभु बस आपका अनुग्रह आपकी कृपा आपका आश्रय मैं प्रतिपल पाऊँ। और प्रभु आपने हमेशा मेरी हैसियत से मेरी औकात से ज़्यादा मुझे सब कुछ दिया है। प्रभु बस आपका के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ेंगे, दोनों हाथों को रख लेंगे, आँखें खोल लेंगे। तो ऐसे कम से कम रोज़ 2 से 3 मिनट का ध्यान भी आपको अवश्य करना है। ध्यान किस बात का? इस बात का कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, ये ध्यान रहे। सब कुछ किसका दिया हुआ बोलो? भगवान का। ये शरीर भी, इस शरीर में दिमाग दिल भावनाएं काम करने की शक्ति और संसार में जो हमें सुख मिलता है सफलता मिलती है सब भगवान ही देते हैं। ऐसी भावना रहे निरंतर, ये ध्यान रहे। इसके लिए 3 से 5 मिनट ध्यान करना आपको बहुत शांति मिलेगी जीवन में। शांति भी तो चाहिए सबको।